जिस देश में लोग गारंटी नहीं लेना चाहते और उसी देश में आप जुगाड़ और जजमेंट दोनों की गारंटी लेकर आ रहे हैं मतलब ये कैरेक्टर ही कुछ नया ही है एक अनिल कपूर सर का था माय नेम इज लखन और अब एक बार <laughs> फिर से सुनने मिल रहा है लखन और वो भी एक ऐसे शख्स है जो काफी ज्यादा टीवी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है मतलब तो एक कहते ना कि अनिल कपूर सर ने दिया था लखन वो आज भी याद है अब उसको अगर फिर से याद कर और ऐसा बंदा अगर फिर से लेकर आए तो वो अक्सर याद ही रहेगा क्या कहना चाहेंगे हीरो गिरी से लॉ गिरी तक का सफर के बारे में भाई इट्स अ मतलब एक्चुअली आपने वाइब बहुत सही पकड़ी है बिकॉज शो uh, की जो वाइब है इज़ लाइक अनिल सर गोविंदा सर फिल्म हाउ अर नाइंटीज फिल्म यूज टू बी दैट्स द वाइब ऑफ द फिल्म दैट्स वॉट द कैरेक्टर इज डिज़ाइंड एज और शायद uh, मतलब ये मैं इन दोनों जो आर्किटिपिकल एक्टर्स हैं हीरोज़ हैं उनको मैं आई रियली यू नो आई रियली लुक अप टू दैम इनफैक्ट गोविंदा सर को तो मैं मैसेज भी करता रहता हूँ सर मैं इतना प्रभावित हूँ आपसे कि ये भी जो है आपके जैसा ही है मैं सुनीता आंटी को भी मैसेज कर देता हूँ गोविंदा सर को भी यू नो सो ऑफकोर्स इन इस तरीके के जिन लोगों को देख करके हम बड़े हुए हैं उनके लिए आदर तो बहुत है दिल के अंदर तो दिस कैरेक्टर इज अ लॉट लाइक यू नो लाइक द कैरेक्टर्स दैट देू प्ले इन द नाइंटीज एंड अनिल सर के साथ भी आई थिंक एक सब्लिमनल कनेक्शन ही है क्योंकि जब जमा जब बनी थी ना oh. <laughs> जब बना था सो इट वज द कैरेक्टर वॉज अ लॉट लाइक

बहुत सारे लोग इमोशन बहुत सारी चीजें जुड़ी एक वकील कैरेक्टर से लेकिन हमने इस इंडस्ट्री में देखा है जिन्होंने भी वकील का कैरेक्टर किया है वो एक सीरियस पॉइंट पर और जब हम इस सीरीज के अंदर देखते हैं ना एक क्यूट सा वकील हमें नजर आता है तो समझ में नहीं आता है इनके साथ केस लड़ा जाए कि इनको के लड़ाया जाए देख नहीं वो वो वैसा ही है कैरेक्टर भी वैसा ही है और कोर्ट में भी ऐसे ही लड़ता है जज के सामने भी खुद को ऐसे ही प्रस्तुत करता है तो ये मतलब जज बार बार उसको धमकी देता है कि यार मैं देख मैं वो ऑफ कोर्ट लगा दूंगा तेरे को बाहर फिखवा दूंगा बार लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मगर इसके कान पर जो नहीं

you your environment यू mm -hmm. you know, that he belongs to your family बिलोंग्स टू यूर फैमिले आई थिंक as an actor that would be my major aspiration and effort when it comes to this particular character हर कैरेक्टर वो अपॉर्चुनिटी लैंड नहीं करता कई बार कुछ कैरेक्टर्स जो है वो इतने लार्जर देन लाइफ होते हैं कि सिर्फ एस्परेशनल लगते हैं लेकिन ये बहुत आपको अपने जैसा लगेगा so nice. आ, लेकिन जैसे अभी रिसेंटली नौ साल हुए जमाई राजा को जी उसमें हमने देखा आपको और अभी जो आप लखन देख रहे कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर लग रहे हैं लखन मुझे ऐसा लगा देखने के बाद जिस तरीके का वो एक जमाई राजा था और एक ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं सेम लग रहा था कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होकर आपने सोचा इस तरीके से कर नहीं गा? वैसा नहीं है मतलब बेसिकली वाइब्रेंट है दोनों कैरेक्टर्स okay. दोनों दे आर लाइट ऑन द फीट वाइब्रेंट एंड दे आर हैप्पी एंड बट सिमिलैरिटी दोनों कैरेक्टर्स के भीतर बिल्कुल भी नहीं है वो तो एक मतलब ही वॉज ही बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड दैट कैरेक्टर सिद्धार्थ ही बिलोंग टू नोज टू अग कॉपरेट एम्पायर उस तरीके का कैरेक्टर था hmm. ये तो बहुत ही बेर मिनिमम में है, अपनी मदर के साथ उसके लिए पूरी है, उसकी माई ही है। hmm. और एक बहुत ही कम रिसोर्सिस में बहुत ही कम साधनों के साथ में वो किसी तरीके से जोड़ तोड़ के साम दाम डंडेद लगा के पढ़ लिख के लॉयर बन गया है hmm. मतलब अब वो वो उस तरीके का कैरेक्टर है ये बिना किसी रिसोर्स का कैरेक्टर है एंड विच इज वाई इसका जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत ही डाइवर्स वर्ल्ड व्यू है hmm. अब जब धीमे धीमे ऐसे और कल्चर्ड लोग मिलेंगे और कंडीशन लोग मिलेंगे और पॉलिश्ड मिलेंगे जैसा कैरेक्टर सानविका प्ले कर रही है यू नो तो जब वो मिलेंगे तो फिर लाइफ और ज़्यादा जो है तब्दील होती चली जाएगी फिर क्या रिएक्शन होगा तो वो वही है शो इट्स लाइक नाइनटीज फॉटबॉलर ग्रेड बट सर एज एन बींग एन एक्टर इतने टाइम से लंबे समय से अपना एक अपने रेपो बना के रखा है लोग आपको हमेशा देखते हैं तो हमेशा खुश हो जाते हैं आपके करैक्टर लेकर हमेशा वेट करते हैं और फिर किसी सीरीज में आना लंबे समय के बाद तो कितने ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज होती है आपके ऊपर बिंग एन एक्टर अपनी ऑडियंस को सब बैलेंस रखने के लिए बहुत रिस्पॉन्सि रिस्पांसिबिलिटी तो किसके ऊपर नहीं होती आपके ऊपर भी है जी हमारे ऊपर यही होती है कि बहुत ज्यादा सोचने से बेहतर है कि जो काम आपको दिया गया है उसमें आप

रेक्टर इज सच दैट वो uh, एक बार जो uh, मतलब एक बार अपने बारे में बुरा सुन सकता है लेकिन उसके लिए उसकी मदर सब कुछ है तो नो बडी कैन एक्चुअली माँ का लाडला और माँ के लिए हाईली प्रोटेक्टिव है एवरी थिंग स्टॉप्स फॉर हिम एट हिज मदर बाकी सब सेकेंडरी है करियर लॉ गिरी हीरो गिरी तामे झामे दोस्त यार जो गर्लफ्रेंड है फलाना एवरी थिंग इज सेकेंडरी ओनली इज मदर इज प्रायोरिटी

कि टीजर टेलर इस तरीके से धमाल मचा रहा है शी रियली रियली लव्ड इट और मैं ऑनेस्टली बताऊँ बाकी सारा फीडबैक सेकेंडरी है उसका फीडबैक मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि अगर वो मुझे कह दे कि कि इट्स नॉट फन मज़ा नहीं आ रहा तो बस वो फिर मतलब मैं, मैं भी हथियार डाल देता हूँ वहाँ पे बट बट थैंकफुली शी इज शी इज़ रियली रियली लाइक इट शी इज़ लव्ड इट एंड शी इज़ रियली वेटिंग फॉर इट लेकिन अक्सर जब भी मैं किसी ऐसे सेलिब्रेटी मिलता हूँ जिसका फैन बेस बहुत तगड़ा हो मतलब आपका एक कहते हैं ना मम्मी को लेकर जो आपका एक फैन बेस है जैन बेसा मतलब आपके बारे में बुरा नहीं सुन सकती थैंक थैंक यू यू सो चीज बना के रखी आप सब कह कहना रवि जी के बारे में कुछ मत के बना कर कैरेक्टर भी आपके अक्सर रवि को लेकर ज्यादा मिले जी. तब नाम से लेकर कैरेक्टर अक्सर किसी की पहचान होती है जैसे जेठालाल एक बात को जेठालाल दिलीप जोशी के नाम से अक्सर कम लोग जानेंगे लेकिन जेठालाल पहले जाना जाएगा सेम वैसे आपकी जर्नी में रवि ज्यादा आपको मिले नाम से नाम रिलेटेड आपको ज्यादा एक्टर मिलता है तो ऐसा कोई फैन मोमेंट आपको याद है जो एक बहुत आपको लग गया कि यार इतना हो गया मतलब कैरेक्टर के लिए इतना प्यार मिल गया और मुझे एहसास या महसूस नहीं था इस चीज़ का हाँ okay, हम लोग मुझे याद है कि एक हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका ओके एंड साउथ अफ्रीका एंड दे दिस इवेंट और वहां के एक लोकल आई थिंक शी थिंको इन्वॉल्व इन द लोकल पॉलिटिक्स तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था एक स्टेडियम के अंदर किया था एक तो वेन बी मतलब जब हम बाहर थे तो बड़ा शांत सा माहौल लग रहा था फिर जब अंदर गए तो एंड बी द कार टुक अ टर्न एंड बी सॉ द क्राउड एंड दे स्क्रीमिंग आउट सिद्धार्थ 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 यू नो दैट दैट वॉज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द शो दैट आई वॉज प्लेइंग एंड आई रियलाइज दैट यू नो दैट इज द इम्पैक्ट दैट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज़ दर फीलिंग एज देयर ओन सन हैज एंड मोस्ट ऑफ दैम एज यू वेरी राइटली सैड मोस्ट ऑफ दैम वर नॉट यंग गर्ल्स दे were all

उनकी रिएक्शन थी और एक दूसरे कि तू धीरे धीरे मैं मैं <laughs> <laughs> अरे अगर मुझे पता होता तो जो भी कर रहा था वो छोड़ के मैं आता उनके पैर छूता तो, मुझे उनको देख कर था, वो कि यार, क्या है साल में बहुत कुछ लेकर आता है हुँ. बट कम समय पर धीरे धीरे चीजें लेकर आना इतना प्यार बनाना थिंग और आपने nice to meet you okay. क्योंकि चीजें आपकी उतनी जबरदस्त है और आप फिर से एक सीरीज लेकर आए और मैं जानता हूँ कि आप तमाम हिंदुस्तान की मम्मियों का दिल नहीं तोड़ेंगे इस बार भी बिल्कुल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीरीज क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस एंड ऑडियंस के लास्ट में आप बस यार के जैसा आपने कहा आई थिंक बहुत बड़ी बात आपने कही कि दैट uh, अगर मुझे मेरे साथ जो जितनी मदर्स हैं उनका अगर आशीर्वाद मुझे मिल जाता तो फिर तो कोई हिला ही नहीं सकता दे, मुझे दे। बस मैं अगर कुछ मांगता हूँ तो आप लोगों से जितने भी यंग फैंस भी हैं कि आप अपनी मदर्स को बोल